क्या बीजेपी कर रही है धर्म की राजनीति? फिल्मादि पुरुष के विवाद में बीजेपी का हाथ? बीजेपी पर लगा भगवान राम के अपमान का आरोप? सरकार को मांगनी चाहिए देश से माफी? सेंसर बोर्ड जो है, भाजपाइयों का सेंसर बोर्ड, वो भांग खा के सो रहा था क्या? उसको अकल नहीं आ रही थी? एक तरफ अमेरिका में पीएम मोदी का डंका बजाने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ नेपाल में सारी हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया गया है। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अब गुस्सा आ गया और उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि क्या उनको ये सब देख के शर्म नहीं आ रही है। फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लुच्चो लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप देखिए, इन लोगों के आशीर्वाद से एक फिल्म बनी है आदि पुरुष। ये किसके आशीर्वाद से बनी है? ये बनी है योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, ये बनी है शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से, पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, नरोत्तम मिश्रा जी के आशीर्वाद से। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम इसके नेताओं ने भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान इस फिल्म के माध्यम से करवाया है। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, संजय सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर फिल्म आदि पुरुष का प्रचार और समर्थन करके हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा है, बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री घटिया संवाद वाली ऐसी फिल्म का प्रचार और समर्थन कर भगवान राम का अपमान करने में लगे हैं। आप नेता ने आगे कहा कि इस फिल्म को बनाने के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा और पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के सभी सीएम और अन्य नेताओं का हाथ है। वे ऐसे फिल्म का प्रचार कैसे कर सकते हैं? इस फिल्म में भद्दे डायलॉग्स हैं। बीजेपी को इस फिल्म के जरिए भगवान राम और रामायण का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म आदि पुरुष इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म अपने स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और किरदारों के कारण विवादों में आ गई है। आदि पुरुष के रिलीज के बाद से ही मनोज मुंतशिर से लेकर ओम राउत तक लोगों के निशाने पर बने हुए हैं। फिल्म के डायलॉग्स के लिए कई राजनीतिक हस्तियों ने भी सवाल खड़े किए और इतना ही नहीं, उन्होंने मनोज मुंतशिर सहित आदि पुरुष के मेकर से माफी की भी मांग की है। हालांकि आदि पुरुष के बढ़ते विवाद के बीच मनोज मुंतशिर ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन दोस्तों, आपका फिल्म आदि पुरुष को लेकर क्या सोचना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।